वाह नाइस बॉलिंग, लेकिन पट्टी मर बैठी। तीन नंबर का खिलाड़ी आपे अपने आपे से बाहर हो गया, पट्टी मर बैठी। इनका फायदा कंटिन्यू सर्विस के रूप में मिलता है शमशेर का 7-8। ये क्या है, बिल्कुल अपने स्कोर में बढ़ने नहीं दे रहा, एक दूसरे से एक विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, बिल्कुल अंकुश लगाए बैठे हैं। तब भी उस विपरीत दिशा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ अपने स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे हल्के हाथों से धकेलते हैं बॉल को, और बड़े अरसे के बाद हवा में लहरता हुआ बॉल अब किसके जानिब से जा रहा है, ये बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल कोई मौका नहीं। लेकिन यहाँ खिलाड़ी पहले से मौजूद और ये मामला मुनासिब ने समझा, तालमेल में कुछ कमी रहेगी, खिलाड़ी पहले से यहाँ मौजूद और ये बॉल को सम्मान करते हुए अर्थी मारा और कंटिन्यू सर्विस शमशेरगंज के जानिब से 8-7 की सर्विस, जीतता हुआ फाड़ता हुआ और बिल्कुल जो खेमा बना के जो जाल बना के रखा है, लेकिन उस जाल को चीरता हुआ अपने सर्विस चेंज कराने में कामयाब कालीगंज के खिलाड़ी ने। और लाजवाब खेल यहाँ पे देखने को मिला दोनों टीमों के बीच, अभी सबका नींद हो गया। बिल्कुल इस तरह का खेल बड़े अरसों के बाद इस सरगंज के पवन धरती में पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या बात है, ईटी का जवाब पत्थर से देता हुआ 8-8 कंटिन्यू सर्विस। और ये अपना डायरेक्शन चेंज करना मुनासिब समझा और ये शायद अपना गोद बदलेगा। ये नियमता है कंट्रोल से बाहर चले गए शाबिर, जो कि लाइन से भटकता हुआ, लेकिन इसका फायदा मिलता हुआ 9-8 की सर्विस कालीगंज को। मुजाहिद बहुत ही बेहतर तरीके से प्लेसमेंट किया, कोई खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं जो इस बॉल को गैदर कर सके। कालीगंज इसमें बता दो कि जो जीतेगी क्योंकि बराबर पे चल रहा है कांटे का टक्कर दोनों के बीच, लेकिन शमशेरगंज भी एक से तो दूसरा बंपर से मौका नहीं चूकते, जैसे ही मौका मिला सर्विस चेंज कराने में कामयाब शमशेरगंज के खिलाड़ी। बिल्कुल एक बिल्कुल ताक में बैठे रहते हैं और ये बिल्कुल जंप किया, हल्के हाथों से धकेल दिया, सम्मान दिया बॉल को और उंगलियों का जादू बिखरता हुआ, लेकिन कोई मौका नहीं जो बॉल चार नंबर खिलाड़ी से गदर कर सके और कंटिन्यू कर सके। कंटिन्यू सर्विस के रूप में बहुत है ये मुजाहिद और ये आवाज आ रही है मुजाहिद का, क्या लाजवाब आकाश चुंबी एक तरह से शायद कह सकते हैं बहुत ही बेहतर और हल्के हाथों से अंपायर की तरफ से निर्णय आठ मिनट कर बैठे, इनका फायदा मिलता हुआ। वाह वंडरफुल सर, और ये टेनिस की सर्विस शमशेरगंज के जाने से बिल्कुल कांटे का टक्कर, अब किधर पलटी की कहना मुश्किल है। आपके अंदर जो कुवत है, आपके अंदर जो काबिलियत है, शायद वही कोई चतुरी चतुरा चतुर से आप जो शॉट खेलेंगे शायद वही का फायदा मिलता है आपको। और बिल्कुल पट्टी मार दे और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही लाजवाब खेल और कंटिन्यू सर्विस कराने में कामयाब। कोई भी खिलाड़ी आपस में ना उलझे, आपस में ना उलझे, प्लेस 11-10 की सर्विस, 11-10 की सर्विस शमशेरगंज काफी मजबूत स्थिति में पहुंचता हुआ और उन्हें भी चाहिए कि उनको अंकुश लगे क्योंकि और ये बिल्कुल काफी लंबे कद के खिलाड़ी और चार नंबर के खिलाड़ी बॉल को गैदर किया और बिल्कुल कोई मौका नहीं, लेकिन वह पहले से खिलाड़ी मौजूद और हल्के हाथों में खेल दिया, बॉल को सम्मान दिया, बॉल को सम्मान दिया और जाने दिया। सोचा कि बॉल को जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे दो अंक बढ़त बनाता हुआ 12-10 की सर्विस और इनका फायदा मिलता हुआ सर्विस चेंज के रूप में 10-12 वाले भी दो अंक पीछे है कालीगंज, उन्हें भी चाहिए कि चतुर वेरी शॉर्ट खेले
और बिल्कुल चतुराई से मैच को अपने झोली में करें, लेकिन शायद सब सेलगंज ये ना हो रहा है, बिल्कुल आउट चले गए। आउट तो है, टच आउट है, टच आउट है, आउट तो है लेकिन टच आउट है, टच आउट। इस तरफ सब सेलगंज की जानिब से बहुत ही लाजवाब खेल दोनों टीमों के बीच, आइए बिल्कुल कोई मौका नहीं, लाजवाब शानदार दमदार, बिल्कुल ही मौका नहीं कि बॉल को कवर कर सके और सर्विस चेंज कराने में कामयाब कालीगंज के खिलाड़ी ने, और लाजवाब शॉट प्रहार, कोई मौका नहीं है बन गया, लेकिन इन्होंने सम्मान दिया, बॉल को हल्के हाथों से धकेल दिया और यह कोई मौका नहीं, बिल्कुल लश्कुल्ला जैसा बॉल को अपने आगे खींचते हुआ, चाहता तो शायद उसको कवर कर सकता था लेकिन ऐसा किया नहीं, शायद वो अपने सोच से परे है, नहीं सोच पाए और सर्विस चेंज करने के रूप अगला टीम भारत के अलावा से स्पेशल गोविंदपुर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि दो मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल खेल अभी को खेला जाना है। बांतला वर्सेस पैसा गोविंदपुर, सबसे ना जाऊंगा कुछ गलती कर बैठे उनका फायदा मिलता हुआ कंटिन्यूस सर्विस के रूप में 11-12 अभी भी किधर भी जा सकती है, इसीलिए धैर्य पूर्वक खेले क्योंकि खेल अनिश्चितताओं का है, अब कभी भी कोई भी गलती कर सकता है। राइट बॉल जाने दिया, शायद सोचा था आउट होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शायद आज उनका नसीब साथ नहीं दे रही है, जिस कारण से मैनुअल बहुत बेहतरीन शॉट, नापी तुरी शॉट, बिल्कुल कांटे का टक्कर, बड़े शॉट जोखिम भरे शॉट दिया, किधर भी जा सकता है लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, बॉल को गैदर किया और हल्के हाथों से बॉल कर लिया, पट्टी मार बैठे, पट्टी मार बैठे, इनका खामियाजा भुगतना पड़ा और 13-11 की सर्विस सबसेरगंज के जानिब से, संभल संभल के धैर्य पूर्वक खेले और ये लाजवाब, बिल्कुल ईटा का जवाब पत्थर से देता हुआ, एक से दूसरा बंपर से मौका नहीं करवाते, जैसी ही मौका देते बॉल के ऊपर जोरदार प्रहार करते हैं, और यकीन देखने लायक मैच अभी तक है और ये कांटे का टक्कर किधर भी जा सकती है, और इन्होंने फिर गलती कर बैठे और कंटिन्यू सर्विस के रूप में मिलता हुआ 12-13 की सर्विस, कभी भी पलट सकती है, अब किधर भी जा सकते हैं मैच, इसीलिए आप धैर्य पूर्वक खेलो क्योंकि हो सके, और ये बन गया ले, और बिल्कुल ये मौका रे, व्हाट अ नाइस शॉट, वी आर नॉट ऑफ शॉट टुगेदर, और 13-8 की सर्विस, वो लाजवाब शॉट, अंत भला पे शब भला, इतना देर खेले शब बेकार, क्योंकि आप जो जीतेगी वही सिकंदर कहलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाया बदकिस्मती से, और यहाँ पे टाइम सर्विस चेंज कराने में कामयाब हुआ, और सर्विस चेंज कराने में कामयाब, लाजवाब 13-8 की सर्विस कालीगंज के जानिब से, 13-8 की सर्विस, बहुत ही बेहतरीन खेल का जा रहा और ये कांटे का टक्कर, लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद और उन्हें बॉल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बॉल को सम्मान दिया, धीरे धीरे बॉल को पहुंचा, अभी उन्हें मौका है, मौका बॉल कर लिया, बिल्कुल वैसे ही हुआ और ये कामयाब हुए, गेम बॉल यकीन किधर भी पलट सकती है, खेल अनिश्चितताओं का खेल है, गेम बॉल कालीगंज को चाहिए कि बेहतर ढंग से खेले, अब बॉल को बन गया, अब ये कालीगंज के खेल में हो सका,